जस्पा में हूँ जो कि रतंग पास से आगे बढ़ जाता है, तो हम निकलने वाले हैं अभी। ऑलमोस्ट हमारे बैग्स रेडी हैं, तो आप देख सकते हैं वो है एक, ये है थंडरबर्ड क्लासिक। अभी मैं राइड करने वाला हूँ क्लासिक, ये गाड़ी राइड करने वाला हूँ। तो सभी गोल्डन एड्रेस के बैग हैं, तो हम निकलने वाले हैं। मेरे रेट्रो है, उसके बाद बेसिक है, मिनी बेसिक जो कि 49 लीटर का है, 69 लीटर के हैं, तो वो मैं लेके जाने वाला हूँ। उसका रिव्यू भी करूँगा, बताऊँगा आपको कैसा है बैग। और वो है हमारी कार, आप देख रहे हैं वो हमारी कार है जो हम साथ में लेके आए हैं, ठीक है। लेडीज़ के लिए बैठने के लिए मेरी वाइफ तो मेरे साथ में जा रही है, दोस्त में। तो देखते हैं रास्ता कैसा है। वैसे रास्ता रोहतांग से हमको जो जिस्पा का रास्ता मिला है वो एकदम परफेक्ट रास्ता है, एकदम बेस्ट रास्ता है। हल्की कुनकुनी ठंडी लग रही थी क्योंकि हम थोड़ा शाम के आसपास ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। तो अभी देखते हैं इस तरफ कैसा रास्ता रहेगा, तो लेट्स सी। देख हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अपनी जर्नी का डे 3 जो कि था जिस्पा टू सरचू। एंड बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रूट था हमारे लिए क्योंकि इसमें आएंगे रफ रोड्स, डीप टर्न्स एंड जो स्टार्टिंग में दिखाया वो भरतपुर का नाला क्रॉस करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था। हम पूरा जो ये रूट हमने किया है चंद्रभागा नदी के पास से ही हम क्रॉस हो रहे थे। तो अगर आपने मेरे पहले के ब्लॉग नहीं देखे हैं जो कि चंडीगढ़ टू मनाली एंड मनाली जिस्पा था, तो ऊपर आई बटन में आपको दिखेगा, वहां से आप वो पुराने ब्लॉग्स भी देख सकते हैं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आपको मिलेंगे बहुत सारे अपडेट्स रॉयल एनफील्ड और अनबॉक्सिंग एंड बहुत सारे ब्लॉग्स, आपको इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स इस चैनल में देखेंगे। तो लाइव स्ट्रीम में करता रहता हूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, अपना नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिएगा। एंड हम स्टार्ट करते हैं अपनी डे 3 जर्नी जो कि हमने जिस्पा से स्टार्ट किया था। सरचू से हमने क्रॉस किया डर्चा, जिंजिंग बार, सूरज तल, देन बारालाचा जो कि 16,500 फीट पे है। एंड लास्ट में फिर हमको मिला भरतपुर एंड फाइनल डेस्टिनेशन जो हमारी थी फिर सरचू जो कि 86 किलोमीटर टोटल था। एंड जब हमने बारालाचा क्रॉस किया जो कि जिनसकरा रीजन का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, जिस जो माउंटेन पास है, वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था बिकॉज ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम था उस एरिया में। एंड जो रूट था वहाँ पे पहाड़ी जो थी हर 10 से 20 किलोमीटर पे पहाड़ियाँ चेंज हो रही थी, जो कि बोल सकते हैं कि ग्रीन पहाड़, हरे पहाड़ से आपको पूरे पथरीले पहाड़ आपको मिल रहे थे। अगर मैं बात करूँ रूट कंडीशंस की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। जब हम जिस्पा से स्टार्ट किया था भरतपुर तक आपको बहुत ही सही रोड मिल जाएंगी, स्मूथ रोड होंगी। कई कई जगह पे थोड़ा सा मेंटेनेंस का वर्क चल रहा है बीआरओ की तरफ से, बट आपको मैक्सिमम जगह सही मिलेंगी। तो 20% खराब रोड मिलेंगी भरतपुर तक, बट भरतपुर के बाद जब आप सरचू तक पहुँचेंगे तो ऑलमोस्ट 60-70% रोड पूरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, पूरा रफ है, बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे आपको रोड पे, तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट था। एंड आपको बीच बीच में मिलेंगे नाले जो कि ग्लेशियर का पानी रोड पे आ रहा है, उसको आपको क्रॉस करना है, तो वो नाले आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। तो वो वैसे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट भरतपुर के पास में रोड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब एंड ऊपर से ग्लेशियर का पानी भी आ रहा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में वो दिखाया वो भरतपुर का ही था। एंड ग्लेशियर का पानी बहुत ही ज़्यादा तेज बह रहा है, उस तरफ आपको रोड नहीं मिलेंगी, तो रोड रास्ते पे थे ही नहीं, पूरा ऊपर से पत्थर आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। उस साइड में हमारे जूते में पानी घुस गया था, आधे व्हील तक पानी था जब हम नाला क्रॉस कर रहे थे। तो ये सब चैलेंजेस आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा बिकॉज आपके पास दो शूज होना चाहिए। अगर आपका जूता गीला हो गया बीच में तो आप नहीं भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका शूज नहीं हुआ, आपने वहाँ पर वही गीला शूज पहन रखा है, तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं क्योंकि ठंड आगे जाते जाते ठंड आपको और ज़्यादा मिलेगी इस टाइम पे, क्योंकि हमने सितंबर टाइम पे किया था, सितंबर टाइम के एंडिंग तक तो बर्फ़ पूरी जम जाती है। तो ट्राई करिए कि दो शूज होने चाहिए, सॉक्स आपके दूसरे होने ही चाहिए एंड आपके पास टाइमॉक्स होना ही चाहिए बिकॉज इस एरिया में टाइमॉक्स की जरूरत थोड़ी थोड़ी पड़ जाती है। अगर आपको हिल सिकनेस है
तो डायमॉक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सांस फूलने की होती है, बिकॉज यहाँ पे आपको आगे जाते जाते आपको और जो ग्रीन है वो आपको हरा हरा चीज दिखाई नहीं देगी, पेड़ पौधे आपको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देंगे, पूरा बंजर आपको लगेगा। एंड अगर आप देखेंगे इस रूट में तो आपको गाड़ियाँ भी बहुत ही कम मिलेंगी। तो हिल सिकनेस की वजह से कोई बीमार पड़ गया या ऐसा कुछ होगा तो आपको चैलेंजेस फेस करने को मिल सकता है। जिसपा से सरचू तक का रोड बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, बट आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है, बिकॉज मैंने मल्टी एंगल से आप लोगों के लिए व्लॉगिंग की है, तो आप व्लॉगिंग का मजा लीजिए एंड बीच बीच में मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। तो देखते रहिए आप इस वीडियो को आखिर तक। Thank you.
में आप देख सकते हैं पहाड़ नीचे जाते हैं। और वैसे एक मनाली ट्री का एक जो बेनिफिट ये है ना, आपको यहाँ पर एक पहाड़ अलग अलग जगह मिलेगी, अलग अलग चीजें मिलेंगी। ये पूरा मतलब जो रूट है सच में ही एक बार तो एक्सप्लोर करना लायक है, बिकॉज मैं जितना भी देखूँ सेम हो रही है। तो थैंक्स टू पीआरओ कि एक्चुअल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं है बहुत ही स्मूथ है। कल कुछ कुछ जगह पर जो है रफ रोड आ रही है, अच्छा बना रहे हैं, बहुत भी चल रही है। ठीक है, अब तक सांस की प्रॉब्लम तो हुई नहीं है, बट शेयर करूँगा मैं क्योंकि टाइम ऑफ सब खा रहे हैं, टाइम ऑफ सब ने लिया हुआ है, तो उसके वजह से इशू कम हो रहा है हमको। टाइम ऑफ उसका आप लोग सब कुछ मिलता है, ठीक है लीजिए, अच्छा रहता है आपकी बॉडी को, उसका ब्लड पतला करता है, उसकी वजह से फ्लो अच्छा बना रहता है। ठीक है, तो स्टे ट्यून, आपको आगे बताता हूँ मैं क्या क्या और चीज़ आने वाली है। ठीक है, अभी जाने वाले सरचू, सरचू ऐसे जिसपा ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 85-90 किलोमीटर है। ठीक है, आपको और बताता हूँ क्या क्या चीज़ आने वाली है। ट्रिप था बिकॉज यहाँ पर हमने कम से कम 2 घंटे तक बर्बाद हुए थे हमारे, और वो भी इवनिंग के, जिसके वजह से सरचू में हम लेट पहुँचे थे। तो ये मैंने क्रॉस किया, बट इसमें हमको रोड बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही थी कि रोड एक्चुअल में है का, बिकॉज सारा मलबा रोड पानी की वजह से सभी रोड पे आ चुका था, एंड क्रॉस करना इसीलिए बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा था क्योंकि पत्थर के ऊपर से गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही थी, जैसे कि बीच में स्टॉप भी हो गया था क्रॉस करते करते, एंड वहाँ पे मेरा जूता गीला हो गया, एंड बहुत ठंडा पानी था, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतना ठंडा पानी, एंड गीला होने के बाद आप थोड़ा पैनिक हो जाते हैं, बट मैं पैनिक नहीं हुआ था, इजीली मेरी गाड़ी निकल गई थी। बट ये जो नाला था कम से कम 500 मीटर लंबा था, जो आप आगे जो ट्रक देख रहे होंगे उससे भी आगे तक ये जा रहा था। तो यहाँ पर हम रुके, रुक रुक के हमने वो क्रॉस किया, कम से कम 15 से 20 मिनट तो हमने क्रॉस करने में लिया। उसके बाद अपनी कार का वेट किया, कार का वेट करने में वो कार वाले ने भी कम से कम 20 से 25 मिनट एक्स्ट्रा लिया। फिर जूता चेंज किया, फिर थोड़ा गर्म हुए, देन उसके बाद आराम से वहाँ से निकले। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग था, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको दोपहर से पहले पहले क्रॉस करने की ट्राई कर लीजिए। कई लोग मनाली टू सरचू डायरेक्ट करते हैं तो उनको ये नाला ज़रूर मिलता है, बिकॉज वो इवनिंग में ही भरतपुर के आसपास पहुँचते हैं। बट सच में एक अच्छा एक्सपीरियंस था। ऑब्वियसली हम लेह लद्दाख जाते हैं एक एडवेंचर के लिए, तो सच में ये एडवेंचर था, चैलेंजिंग था, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया।
एंड आई होप आपको ये भी ये व्लॉग जो थी मेरी व्लॉगिंग जो होगी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये भरतपुर है, भरतपुर के बाद सरचू तक में रफ रोड है, वो रफ रोड तक मैंने व्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि हम यहाँ पर जब जूता गिल हुआ तो उसके बाद थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था तो व्लॉग प्रॉपरली कैप्चर नहीं हो रहा था। तो ये है मेरे जिस्पा टू सरचू तक का व्लॉग एंड आई होप आपको ये व्लॉगिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी एंड आप नेक्स्ट जो अपकमिंग व्लॉग्स हैं जो कि सरचू टू ले जिसमें जो स्ट्रेच है वो 230-240 किलोमीटर्स है एंड हमने एक दिन में क्रॉस कवर किया है एंड जहाँ पे आएगा पांग और बहुत अच्छी अच्छी वादियाँ एंड रूट्स आने वाले हैं तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करिएगा एंड टिल देन स्टे ट्यून कीप वॉचिंग बुलेट गुरु एंड थोड़ा सा कुछ इसका सेम भरतपुर का ये व्लॉग बाकी है तो आप देखते रहिए एंड इन्जॉय करते रहिए मेरी व्लॉग्स को। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। सरचू